हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था हमें ईमेल के थ्रू या कमेंट्स के ऊपर कि आप ओपन शॉट के बारे में ट्यूटोरियल हमारे को दें, क्योंकि ये भी आपके बेस्ट फ्री वीडियो एडिटर्स की लिस्ट में आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये बेसिक ट्यूटोरियल है ओपन शॉट का, जो एक जनरल ट्यूटोरियल है। आगे एडवांस ट्यूटोरियल भी इसमें हमारे आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ओपन शॉट वीडियो एडिटर का बिगिनर्स ट्यूटोरियल, इसको आप कह सकते हैं। चलिए लैपटॉप पे चलते हैं। तो दोस्तों, ओपन शॉट पहले हम ओपन करते हैं। ये ओपन शॉट के आइकॉन को हमने डबल क्लिक किया, अभी ओपन शॉट ओपन हो रहा है। तो ये ओपन शॉट ओपन हो गया, अभी वेलकम मैसेज दे रहा है ये। अभी ये पूछेगा कि आपने इसकी क्रैश रिपोर्ट्स और सेंड एरर मैसेज वापस भेजने हैं। इसको आप सिलेक्ट ना करें दोस्तों, नहीं तो बार बार ये कुछ दिक्कत होगी, तो वो बार बार इंटरनेट कनेक्शन मांगेगा। तो इसको यस आई वुड लाइक टू इम्प्रूव ओपन शॉट को आप इसको अनचेक कर दें, हटा दें यहाँ से। और ट्यूटोरियल भी आपको ये बार बार देगा, छोटी वो देगा यहाँ पे। अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर दें, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे तो ये बताएगा कि अभी इनिशियल स्टेज में कौन सा एरिया क्या है लेआउट, वो हम आपको वैसे भी अभी समझाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मेनू है ऊपर, फाइल मेनू, ये न्यू हो गया, ये ओपन प्रोजेक्ट हो गया, ये अंडू करने के लिए, ये रिड्यू करने के लिए, ये कुछ इंपोर्ट करना है उसके लिए, ये फाइनली एक्सपोर्ट करना है उसके लिए। तो ये सारा है इसके ऊपर के मेनू के बारे में। तो दोस्तों देखो, ये जो लेफ्ट वाला एरिया है, ये एरिया, ये आपका प्रोजेक्ट फाइल्स का एरिया है। इसमें अगर मैं इसकी लेआउट आपको समझाऊँ तो ये स्टार्टिंग में, अगर आप इसका ट्यूटोरियल छोटा सा ये खुद भी देता है, जैसे पहला इसने बताया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स हैं लेफ्ट साइड पे। उसके बाद अगर आप इसको नेक्स्ट क्लिक कर देंगे तो अपने आप बताएगा ये नीचे टाइमलाइन है। टाइमलाइन दोस्तों आपको पता ही है, उसको कहते हैं जहाँ पे आपकी सारी क्लिप्स के ट्रैक रहते हैं, ऑडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक, ट्रैक 1, 2, 3, जो कि अलग अलग क्लिप्स के ट्रैक आप रख सकते हैं एडिट करने के लिए। फिर इसको यहाँ से आप हाइड ट्यूटोरियल भी कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। अगर हम नेक्स्ट दबाएंगे तो ये बताएगा ये वीडियो प्रीव्यू का वाला एरिया है दोस्तों। यहाँ पे जो भी वीडियो आप टाइमलाइन में प्ले हेड जहाँ पे रख के प्ले करेंगे तो ये वीडियो का प्रीव्यू आपको इस एरिया में दिखाई देगा। उसके बाद आगे देखते हैं, ये एक्सपोर्ट वीडियो करने का आइकॉन है। ये आपको लेआउट बताने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आप इसका ट्यूटोरियल ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कहाँ से क्या होता है, किस जगह पे क्या है। तो ये एक्सपोर्ट वीडियो का वो एक्सपोर्ट किसको कहते हैं, जब आप फाइनल कर लें सारी एडिटिंग तो उसके बाद उसको MP4 या AVI में या MPEG फॉर्मेट में, जो आप उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है फाइनली, उस पर एक्सपोर्ट करते हैं, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, सेव करना जिसको कहते हैं। और ये सारे आइकॉन हैं यहाँ पे, बाकी अंडू करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो ये थोड़ा सा था इसकी लेआउट के बारे में। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इस पर, बेसिकली हमने काम कैसे करना है। सबसे पहले करना क्या है हमें, आपको जैसे पता है कि फाइल्स हमें इंपोर्ट करनी होती है जिस पे हमने काम करना है, प्रोजेक्ट फाइल्स। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से आप पहले ये न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए ये इंपोर्ट फाइल्स का आइकॉन है, या कंट्रोल एफ भी आप प्रेस कर सकते हैं, या इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं। यहाँ से प्लस करेंगे तो ये हमारी, जैसे ये एक फ़ाइल है, ये हमने इंपोर्ट, ये जो भी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। एक तो तरीका ये है फाइल्स को इंपोर्ट करने का, दूसरा तरीका यह है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे इसको अगर आप छोटा करेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज करें, ये फोल्डर हमने एक रखा हुआ है जैसे 001 में, तो इसके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। दो हैं जैसे, दोनों इकट्ठी सिलेक्ट करके भी आप इधर कर सकते हैं। तो ये आपकी दो फाइल्स आ गई जिन पर हम काम करेंगे अभी अपने ट्यूटोरियल का, ट्रेनिंग का। तो ये दूसरा ये है कि इनको आप इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ रखना हुआ ऐसे मूव कर लिया, ठीक है ना। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है देखो, आ गया ये,
क्रिएट ए ग्रेजुअल फेड, ये सारे ट्रांजिशन इफेक्ट का नीचे वो आ जाएगा। या फिर इसको वापस करना है, जैसे वापस रख लिया इसके ऊपर, इसको उठा करके नीचे लाना है ये ऐसे, ठीक है ना। तो इस टाइप से वापस अपनी जगह पे रख दिया। तो अगर सारा आपका डिस्टर्ब हो जाए तो इसको वापस करना हो तो यहाँ से व्यू से जा कर के व्यूज़ में जाके सिंपल व्यू आप क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएगा आपका वैसा ही। तो ये प्रोजेक्ट फाइल आ गई, ये तीन आपके मेनू एक्चुअली खुले रहते हैं यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट फाइल हो गई, ट्रांजिशंस हैं ये, और तीसरा ये इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे कैसे मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए हमने फाइल्स इंपोर्ट कर ली, जिन जिन फाइल्स पे हमने काम करना है, चाहे वो ऑडियो फाइल्स हैं, चाहे वो स्टिल पिक्चर्स है, चाहे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। तो आइए अब इसकी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ओपन शॉट में आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया खासियत ये बताता हूँ कि ये जो है सॉफ्टवेयर हमारा, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ, वैसे तो इसमें सारे फीचर हैं, पर कुछ जैसे एक जिनके बिना कुछ एक आध फीचर ऐसा है काम चल सकता है। जैसे अब ये आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट किए हैं फाइल से, ये फाइल अब यहाँ पे आप प्ले नहीं कर सकते, जैसे आपके दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनमें कुछ यहीं पे ये प्ले करने का ऑप्शन है। जैसे ही आप इंपोर्ट करते हैं, जैसे शॉर्टकट में, वहीं पे ही प्ले होने लग जाती है साथ साथ। तो इसमें ये थोड़ा ऑप्शन नहीं है, पर एक्चुअली हम बाहर जब एक बार बाहर से प्ले करके अपनी क्लिप्स को सेट कर लेंगे, एक टेम्परेरी फोल्डर में रख लेंगे, फिर वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, तो उसकी कोई खास हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको टाइमलाइन पे लेके आना है एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें आपकी देखिए चार ट्रैक्स, चार पांच ट्रैक्स बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं इनको और देखने के लिए, ये ट्रैक नीचे से स्क्रॉल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस और बताता हूँ कहीं, क्योंकि हर एक वीडियो एडिटर का अपना अपना कुछ खासियत होती है, अपने अपने डिफरेंस होते हैं। बेसिकली इसीलिए ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत पड़ती है कि आपको अपने आप माथा पच्ची ना करनी पड़े। अगर मैं कंपेयर करूँ कुछ और वीडियो एडिटर्स के साथ, तो जैसे उसमें ऑडियो और वीडियो ट्रैक अलग अलग होते हैं, इसमें कॉमन ट्रैक्स हैं। आप किसी ट्रैक में वीडियो रखें, किसी में ऑडियो रखें, बीच में ऑडियो रखें, ऊपर रखें, नीचे रखें, कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि इसकी सिंप्लिसिटी को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। तो गाइज़ अब एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो अपनी क्लिप है जिससे स्टार्ट करना है वो टाइमलाइन में लेके आनी है। तो ये सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से आएगी, यहाँ से इसको आप लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इधर ड्रैग करें, किसी भी ट्रैक में नंबर में आप इसको ड्रैग कर दें तो ये आ गई। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये इसका प्ले हेड है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ऊपर, जैसे ये रेडियो की सुई रहती थी पहले ट्यूनिंग वाली, तो ये प्ले हेड है। तो ये इसका क्लिप जो आया है ऊपर से, कहीं भी आप इधर उधर शिफ्ट कर लें। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर सारे हैं, पर बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, इसीलिए हमने इसको शॉर्टकट से भी ऊपर रखा था अपनी फर्स्ट पोजीशन पे, जब हमने बेस्ट वीडियो एडिटर बताए थे पीसीज के लिए, फ्री वीडियो एडिटर विदाउट वाटरमार्क वाले। अब इसकी सिंपलिसिटी का एक और ये है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और सारे ही फंक्शन, मोस्टली सारे ही फंक्शन आप यहीं से ही आप कर सकते हैं क्लिप के। जैसे इसको कॉपी करना है, कुछ इफ़ेक्ट देना है, की फ्रेम्स आगे यूज़ करने हैं, बताएंगे आपको की फ्रेम्स क्या होते हैं, फेड करना है, एनिमेट करना है, ठीक है, रोटेट करना है, कोई लेआउट इसकी सेट करनी है, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है। अब ऑडियो क्लिप कई बार नहीं चाहिए होती, ऑडियो क्लिप सेपरेट करनी है, तो ये सारा काम आप यहीं से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म होता है दोस्तों उसको छोटा या बड़ा, पिक्चर इन पिक्चर में काम आता है, क्लिप को छोटे हिस्से में रखना है, कहाँ रखना है बताएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज़ देखनी है इसकी, जैसे मान लो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ में से भी यहाँ बहुत काम हो जाते हैं दोस्तों। कुछ भी करना हो ये प्रॉपर्टीज़ में जाके सारे काम आप एक क्लिप के ऊपर पर्टिकुलरली आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है और बहुत ही सिंपल है यूज़ करना, इसीलिए इसको हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है फ्रेंड्स। तो आइए वापस आते हैं अपनी एडिटिंग स्टार्ट करने पे। तो दोस्तों ये इसका प्ले हेड है। अब इसकी खासियत ये है कि इसको आप जहाँ से आपने ट्रिम करना है, मान लो सबसे पहले जहाँ वीडियो एडिटिंग की बात आती है तो ट्रिमिंग की बात आती है,
उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्ले, अगर आप जहाँ प्ले हेड हम रखेंगे उसके बाद ये प्ले का बटन यहाँ से प्रेस करेंगे, ये देखिए एक सेकंड, तो प्ले का बटन जब हम प्रेस करेंगे ये इसका जो प्रीव्यू एरिया है, ये टाइमलाइन में जो आपकी क्लिप्स रहेंगी प्ले हेड के हिसाब से उसको प्ले करेगा। ये देखिए यहाँ ये यही है जो रिकॉर्डिंग अभी हमने की थी इसकी। तो फ्रेंड्स मैं इसका क्लिप का वॉल्यूम म्यूट कर देता हूँ ताकि ये मेरे साथ इसका मिक्स ना हो। कुछ नहीं है, यहाँ से क्लिक किया वॉल्यूम पे चले गए और एंटायर क्लिप का 0% वॉल्यूम कर दिया हमने। तो अब मैं जैसे ही ये प्ले करूँगा तो मेरी जो कमेंट्री है वो इसके साथ मिक्स नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए अब इसका साउंड नहीं आ रहा, मेरा साउंड आ रहा है। तो अब एडिटिंग शुरू करने से पहले हमने ये सारा इसका लेआउट, सारे इनिशियल कंट्रोल वगैरह हमने समझ लिए। सबसे पहला जो वीडियो एडिटिंग का काम हम लोग करते हैं, जिसको माना जाता है कि स्टार्ट इनिशियल स्टेज ऑफ वीडियो एडिटिंग है, वो है एक क्लिप को ट्रिम करना, मतलब बीच में से काटना। देखिए कितना आसान है, आप सरप्राइज हो जाएंगे। अगर तो क्लिप्स को किनारों से काटना है तो बहुत ही सिंपल है, या मैं पास करता हूँ, इसको ऐसे पकड़िए यहाँ से और ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये जितना आप ड्रैग करते रहेंगे उतना क्लिप कट गई। ये देखिए कितनी छोटी हो गई क्लिप। अगर आप मुझे लेफ्ट से करनी है, ये देखिए राइट से अभी ये ख़त्म, पहले लेंथ इसकी ज़्यादा थी अब लेंथ इसकी कम रह गई। ये देखिए बस ख़त्म। अब मुझे इसको लेफ्ट से भी मान लो कुछ काटना है तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये टाइम साथ साथ, ये देखिए ऊपर टाइम है, टाइम के हिसाब से आप काटिए, ट्रिम कीजिए। या फिर इसका एक और आसान तरीका ये है कि आप प्ले हेड वहाँ रख लीजिए जहाँ तक आपने ट्रिम करना है, उससे आपकी निशानी रहेगी कि कहाँ तक ट्रिम करना है इसको। ये जो टाइम, ये आपका जो ये टाइम लाइन है, इसको आप और डिटेल से देखने के लिए बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ये स्लाइडिंग है, ये मैंने जूम कर लिया, या इस प्लस को मैं दबाता जाऊंगा और माइनस को दबाता जाऊंगा तो, प्लस और माइनस को दबाता जाऊंगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा, ये देखो ये छोटा हो गया, ऐसे करूंगा ये बड़ा होता जाएगा। तो ये है, तो आप टाइम लाइन इसको प्ले हेड को वहाँ रख लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग कीजिए यहाँ तक काटना है, तो ये देखिए प्ले हेड के बिल्कुल ऊपर आ गया, तो यहाँ तक कट गया। तो ये देखिए ट्रिम करना कितना सिंपल है, इसमें कितना इजी है ट्रिम करना। अगर दोनों एजिस से आपने ट्रिम करना है तो बहुत इजी है। अब हम देखते हैं कि बीच में से अगर हमने इसको काटना हो या स्प्लिट करना हो तो इसका क्या सिस्टम है, कैसे करना है। तो जहाँ से हमने काटना है वहाँ तक प्ले हेड आप ले जाएं, प्ले हेड ऐसे भी मूव कर सकते हैं, प्ले करते हुए भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने काटना है तो यहाँ रख के आप ये देखिए ये कैंची बनी हुई है, रेजर टूल इसको बोलते हैं, ये आप क्लिक करें तो ये यहाँ से यहाँ निशान लगाएं और कट गया। ये हो गई स्प्लाइसिंग। अगर आपने इसके बीच में से कुछ उड़ाना है, इतना एरिया उड़ाना है मान लो, तो प्ले हेड मूव कर लें, या अगर वैसे एक्चुअल आप कर सकते हैं जैसे ये 1 मिनट 30 सेकंड पे बिल्कुल इसकी सीध में हमने रखा, यहाँ काटा तो ये दो टुकड़े हो गए इसके। तो अब दो टुकड़े हो गए तो इसको आप राइट क्लिक करें और रिमूव क्लिक कर दें। ये देखिए अभी आपने ये टूल हटाना है तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो टूल हट जाएगा, ये राइट क्लिक करें और ये रिमूव कर दें। अब मान लो ये गलती से रिमूव हो गई हैं तो हमने क्या करना है, ये ऊपर अंडू है या कंट्रोल जेड से भी ये आ जाएगा, जो एक विंडोज़ का मेन कंट्रोल जेड होता है। तो ये देखो जैसे हमने तीन टुकड़े करे थे, ये बीच वाली हटानी है तो बीच वाली को ये ऐसे सिलेक्ट किया, पहले लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप डेल की प्रेस कर सकते हैं या सिंपली इसको राइट क्लिक प्रेस करें और ये लास्ट में रिमूव क्लिप है,
ये देखो हट गया। उसके बाद इनको साथ जोड़ दें, पीछे कर दें, आगे कर दें। तो ये था आपका एक क्लिप को ट्रिम करना, स्प्लाइसिंग करना, लेफ्ट साइड से काटना, राइट साइड से काटना और बीच में से उसको गायब करना या बीच में से उसका टुकड़ा काटना और उनको जोड़ना। तो ये एडिटिंग का सबसे पहला मेन काम होता है दोस्तों। नेक्स्ट मेन एडिटिंग का काम होता है, वो होता है कि दो छोटी छोटी क्लिप्स को आपने जब जोड़ा है आपस में, जैसे अभी हमने इस टुकड़े को, ये देखो ये जोड़ा है, ये जोड़ने के बाद अब जब हम प्ले करेंगे तो एकदम से प्ले आता है, ये एक्सपोर्ट वीडियो करने का आइकन है और एकदम से सीन चेंज होता है। तो आपको लेआउट बताने इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आते हैं इसका ट्यूटोरियल ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप ट्रांजिशन उसको कहते हैं, एक इफेक्ट लाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। एक्चुअली ये दोनों एक तरह की क्लिप्स हैं तो आपको पता नहीं लगेगा, मैं थोड़ी दूसरी साइड दूसरी टाइप की क्लिप इसमें जोड़ता हूँ। जैसे मान लो ये एक क्लिप ये है, ये देखिए क्लिप के ऊपर भी क्लिप आ गई ना, ये देखो ये भी इसमें खासियत है। तो दोस्तों ये ऊपर से मैंने अपनी एक और दूसरे टाइप की क्लिप ड्रा कर ली ताकि ये आपको जब ट्रांजिशन इफेक्ट मैं समझाऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो ये क्लिप को इसके साथ जोड़ा ऐसे, तो अब इसमें ट्रांजिशन लानी है। ट्रांजिशन लाने के लिए बड़ा सिंपल है फ्रेंड्स, इसको आप इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा लें जितनी ट्रांजिशन लानी है, ये ऐसे पकड़ के इसके ऊपर आप इसको जब चढ़ाएंगे तो ये जो एरिया है ये शेडेड एरिया, इस पर अब हमारी ट्रांजिशन लगेगी। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको टाइमलाइन को दिखेगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये तो ये एरिया टाइम इसका हुआ है, इसको हम बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं, देखो ऐसे खींच के इसके टाइम को बेसिकली। तो अब ट्रांजिशन के इफेक्ट हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इफेक्ट लगता है वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्ले करेंगे, इसके पास ले आए हैं प्ले हेड ताकि टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो। थोड़ा अजीब लगा होगा, इसको कम कर लेते हैं ट्रांजिशन के इफेक्ट को। अब देखना एकदम इसमें डिजोल्व कहते हैं एक्चुअली टेक्निकली इसको, एक पिक्चर दूसरी में डिजोल्व हो जाती है। अभी देखना ये एकदम से डिजोल्व हो गई, देखो ट्रांजिशन को। और ये देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फाइल्स के साथ छोटा टैब है ट्रांजिशन का, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये इसकी टिप दे रहा है। ये ट्रांजिशन के टाइप्स हैं, क्रिएट ए ग्रेजुअल फेड फ्रॉम वन, ये पहले वाली की दे रहा है, क्लिप टू अनदर। तो अब आप मान लो ये सारे स्टाइल हैं दोस्तों, काफ़ी स्टाइल हैं इसमें, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, देखो दूसरे उसमें नहीं इतने ऑप्शन मिलते हैं। तो अब हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रांजिशन थी उसके अलावा दूसरी ट्रांजिशन लगानी है, जो ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स देखो ये दुनिया भर के काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो मान लो ये क्लाउड लगाना है हमने, ये क्लाउड 1-2 लगाना है, तो इसको पकड़ेंगे हम खींच के यहाँ लगा रख देंगे इसके ऊपर, तो ये ट्रांजिशन समझ लो लग गई है। और इसकी ड्यूरेशन सेट करेंगे हम लोग बस ये थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए, और आप प्ले करके देखो आपको कैसा इफेक्ट नज़र आता है। ये एक्सपोर्ट आइकन है लाउडिंग की, देखो दोबारा से ये देखो वही आप ध्यान रखें कि आपने ऊपर से ड्रैग करके लगानी, ये देखिए ये बिल्कुल इसके क्लिप के स्टार्ट में लगानी है। ऐसे ही कोई और लगानी है तो इसको रिमूव कर दें, रिमूव ट्रांजिशन, अगली कोई और लगानी है, मान लो ये क्रॉस 1-5 लगानी है तो इसको यहाँ बिल्कुल इसके साथ रखना है ऐसे जहाँ से स्टार्ट होती है। ड्यूरेशन इसकी कम कर दें, ये ऊपर से आप माप सकते हैं ड्यूरेशन, डेट 2.05 सेकंड पे है और ये थोड़ी सी है देखो हाफ सेकंड की भी नहीं है। तो आप प्ले करके देखो, ये प्ले किया, ये
ऐसे ही मैं अब जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ कोई और। देखो ये रिमूव ट्रांजिशन, अब मान लो आपने ये लगानी है फ्लावर वाली, तो इसको पकड़ो रखो यहाँ बिल्कुल इसके स्टार्ट पे, छोटी कर लो, प्ले करके देखो ये बना फ्लावर है। फिर ये ल्यूमिनस फ्रेम को रखा यहाँ, प्ले हेड को पीछे ले गए, इसको साइज को किया छोटा और अब प्ले किया यहाँ रख के प्ले किया ट्रांजिशन दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब मैं ये स्क्रीन करता हूँ क्लियर थोड़े आपको और इफेक्ट दिखाने के लिए। ये क्लिप्स को रिमूव करता हूँ, नए सिरे से ट्रांजिशन को भी मैंने रिमूव किया। देखो जो भी रिमूव करना है आपने, ये राइट क्लिक अपना करो क्लिप पे, ये क्लिप थोड़ी बड़ी थी, स्टार्टिंग की क्लिप है, ये भी रिमूव क्लिप करके, तो ये प्लेन अब मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, टाइमलाइंस क्लियर कर दी हैं ताकि आगे हम और इफेक्ट इसके सीख सकें। अभी इसमें नेक्स्ट हम सीखेंगे, इसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो हमारी वीडियो एडिटिंग में जरूर जरूरत पड़ती है। जैसे ये देखो, ये दिखा रहा है क्या इफेक्ट हैं जो मेनली पड़ते हैं, एडजस्ट ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सेचुरेशन एंड एड एक्साइटिंग स्पेशल इफेक्ट्स, ड्रैग एंड, इसमें भी वही है दोस्तों, ड्रैग एंड ड्रॉप हमने करना है सिंपल। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, बार बार मुझे ध्यान आ जाती है, मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोग तो सब वीडियो एडिटर चलाते हैं, सबके ट्यूटोरियल बनाते हैं, तो हम लोग बड़े इजीली एक के साथ दूसरा कंपेयर कर सकते हैं कि भाई शॉर्टकट में क्या नहीं है, क्या खासियत नहीं, इसमें क्या खासियत है, या हिट फिल्म एक्सप्रेस में क्या नहीं है, फिल्मोरा में क्या नहीं है, कैम्पटेशिया में क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं, डिवानसी रिजोल्व में क्या नहीं है, क्या मतलब इसमें जो है फीचर तो ठीक है, लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। एक बेसिक जो बिगनर जो नया स्टार्ट करता है, हमारा यूट्यूबर या क्रिएटर स्टार्ट करता है कैरियर या चैनल स्टार्ट करता है, तो उसको ज़्यादा सरदर्दी मोल ना लेके ये बड़ी आसानी से सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल, यहाँ क्लिक करो वहाँ क्लिक करो, बहुत सिंपल है। तो चलिए अब आगे इफेक्ट इसके देखते हैं हम लोग क्या है, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं सारा। फाइनली इफेक्ट्स पे आ जाते हैं, तो ये देखिए ये हमारी दो क्लिप्स हैं, तो अब इनको हम स्पेशल इफेक्ट सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी एक क्लिप इसमें दोबारा से इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये दोस्तों एक क्लिप मैंने यहाँ पे ड्रैग कर ली है ड्रैग एंड ड्रॉप से, ऊपर से प्रोजेक्ट फाइल्स वाले एरिया से। तो अब इसकी ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से कुछ इफेक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी करें क्लिप को और आगे पेस्ट कर दें, ये एज इट इज़ देखो पेस्ट हो गई, देख रहे हो आप, तो ये सेम क्लिप को कॉपी पेस्ट करना, ये दो हो गई देखो, एक तो ये है, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और दूसरा देख लें दोस्तों, ये एक अच्छी एडिटिंग का नमूना माना जाता है कि जैसे क्लिप स्टार्ट होती है वो फेड इन होके, मींस धीरे से पिक्चर दिखती है और शुरू होती है, ऐसे ही जैसे एंड होती है तो धीरे से ही बंद होती है, एकदम से सडनली बंद ना होके, तो इसको फेड इन और फेड आउट इफेक्ट कहते हैं। अगर अभी जैसे मान लो ये आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिए अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एकदम स्ट्रेट वे जब ये प्ले ऐड आएगा इस पर तो एकदम से स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल दोस्त, तो ये एकदम से स्टार्ट होगी अब। लेकिन ये इसको अगर हम एक इफेक्ट है फेड इन का अगर लगा दें, फेड स्टार्ट ऑफ द क्लिप फेड इन, तो अब जैसे ये शुरू होगी तो आप देखना धीरे से पिक्चर दिखनी शुरू होगी, ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय, ये देखा आपने, तो ये फेड इन इफेक्ट है, ऐसे ही फेड आउट इफेक्ट है, यहाँ आप गए ऐसे ही फेड आउट। को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू गाइस, जय बंदे। ये देखिए एकदम से क्लिप एंड हो गई,
अब अगर हम इस पर फेड आउट लगा देते हैं, एंड ऑफ फेड आउट फास्ट, तो इसको आप अगर आप देखें तो देखना आप कैसे धीरे से पिक्चर एंड होगी और ब्लैक हो जाएगी। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। ये देखा आपने, तो ये फेड इन और फेड आउट था, तो ये इफेक्ट हो गया। और देख लेते हैं जो एडवांस्ड में ज़रूरत पड़ती है, एनिमेट है, एनिमेशन है, जूम करना है एकदम से, जैसे स्टार्टिंग में जूम इन आया 50%, ये पीछे से आएगी एकदम से पिक्चर आगे को। मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये हेलो गाइस वेलकम, ये देखा आपने पीछे से पिक्चर आई एकदम से ऐसे जूम इन होके। अगेन टू माय चैनल दोस्तों आप, तो ये इफेक्ट था फेड इन का, एनिमेट एनिमेशन का। और एनिमेशन कुछ लगाना है, जूम है, सेंटर टू एज है, ये सेंटर टू टॉप अगर हम देखें लगा दें तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने अभी प्ले किया है, देखो ये जूम। हेलो गाइस वेलकम अगेन टू माय चैनल दोस्तों आप सब लोगों, ऊपर चली गई थी ना, तो ये इफेक्ट है। तो अब इसका एनिमेशन हम हटा देते हैं समझने के लिए, नो एनिमेशन, इधर से नो फेड। तो और देख लेते हैं क्या है ज़रूरी है। कभी कभी रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, जैसे अब इसको हमने रोटेट करना है, तो मान लो साथ के साथ आपने इफेक्ट कर देखना है इसका, तो ये आप प्ले हेड इस क्लिप के ऊपर ही ले आएँ, तो अभी जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो साथ के साथ ही आपको नज़र आ जाएगा रोटेट 90 डिग्री। वो देखो रोटेट हो गई, प्ले करूँ तो ऐसे ही प्ले होगी। या कमेंट्स के ऊपर के आप ओपन शॉट के बारे में, ये देख रहे हैं ऐसे ही, अगर और मेरे को रोटेट करनी है 90 डिग्री लेफ्ट तो ऐसे रोटेट होगी। हमारे को दें क्योंकि ये भी आपके प्ले भी ऐसी हुई, तो अब रोटेट को भी नो रोटेट कह देते हैं वापस देने रखने के लिए। ऐसे ही लेआउट है 1/4 सेंटर, ये देखो प्ले करेंगे तो यहीं प्ले होगी। बेस्ट फ्री वीडियो, ठीक है ना, तो ये छोटी हो गई। ऐसे और देखते हैं, तो रीसेट कर लेते हैं इसको भी वापस लाने के लिए। उसके बाद आपका टाइम है, कितना फॉरवर्ड करना है, स्पीड है, बैकवर्ड आगे, मतलब क्लिप को आगे या पीछे करना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। वॉल्यूम है, कभी मान लो वॉल्यूम कम करना है, स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे 50% रखना है, तो आप प्ले करेंगे तो वॉल्यूम देखो बहुत कम रहेगा। हेलो गाइस वेलकम अगेन टू माय चैनल दोस्तों आप सब लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था हमें ईमेल के थ्रू, या तो देखा आपने वॉल्यूम का इफेक्ट, शुरू में कम था वॉल्यूम, तो इसको रीसेट कर देते हैं अब ऐसे ही। अच्छा दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, कई बार हम पहले बाहर से शूटिंग करके लाते हैं या कुछ बी रोल लेके आते हैं, तो हमें उस क्लिप के साथ ऑडियो नहीं चाहिए होता, हमें अपना म्यूज़िक वगैरह ऐड करना होता है, तो ऑडियो ट्रैक हमें सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो ये सेपरेट ऑडियो है, यहाँ पे सिंगल या मल्टीपल चैनल, जो रिकॉर्डिंग स्टीरियो चैनल में मल्टीपल हुई हुई है तो अलग अलग चैनल है, सिंगल मोनो हुई हुई है या मल्टीपल फेसिस या स्पीचेस, जैसे 4 या 5 लोग अलग अलग माइक से नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं ग्रुप में, तो सिंगल चैनल कहलाएगी। तो ये हमने इसको कहा, ये देखो नीचे एक ऑडियो ट्रैक बन गया। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ऑडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक, ये वो कुछ अलग नहीं है। नीचे ट्रैक नंबर 4 ब्लैंक था, इसमें ऊपर वीडियो ट्रैक रह गया ये वाला, और नीचे ऑडियो ट्रैक आ गया। तो अब हमें अगर ऐसे ही रखेंगे तो ये ऑडियो प्ले होता रहेगा, ये देखिए। हेलो गाइस वेलकम अगेन टू माय चैनल दोस्तों, यार है ना ऑडियो, बट अगर हमने ऑडियो ट्रैक डिलीट करना है इसका म्यूजिक भरने के लिए, तो इसको रिमूव क्लिप कर दीजिए। हेलो गाइस वेलकम अगेन टू माय चैनल, देखिए ये फेस हिल रहा है इसका, लिप हिल रहा है इसका, क्लिप का या कमेंट्स के ऊपर लिप मूवमेंट है, पर ऑडियो गई। टूटोरियल हमारे को दें, अब इसमें हम कुछ डबिंग करनी हो अपनी काम में
उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ, स्लाइसिंग तो हो ही गई थी बोथ साइड से। अच्छा एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखिए दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, आस्पेक्ट रेशो करनी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग वही है जैसे अपना एडोबी फोटोशॉपी में और फोटोशॉप वगैरह में होता है ना, ट्रांसफॉर्म करते हैं हम। ये देखो ये पिक्चर एंड पिक्चर, पिक्चर इन पिक्चर में बहुत काम आता है। जैसे मान लो ये अब एक और ऊपर से ट्रैक ड्रा करा मैंने, तो ये देखिए पिक्चर इन पिक्चर में छोटा करके मैंने इसमें, मान लो ये वीडियो दिखाना है साथ में अपना, ये छोटा फेस ये यहाँ रखा। जैसे कई बार ट्यूटोरियल हमने देखा होगा, लोग ट्यूटोरियल बनाते हैं और साथ में इधर ऐसे नीचे स्पीच भी देते हुए दिखाई देते हैं, तो वो इस तरह से होता है। तो ये देखिए अब मैं तो नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, ये नीचे टाइमलाइन है, टाइमलाइन दोस्तों आपको पता ही है उसको को कहते हैं, जहाँ पे आपकी सारी क्लिप्स फेस भी ट्रैक रहते हैं, ऑडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक, ट्रैक 1 2 3। तो दोस्तों ये अलग अलग फेस भी हिल रहा था और ऊपर से मूवमेंट भी हो रही थी। तो ये वो ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट है जो पिक्चर इन पिक्चर में या और जगह पे बहुत ही काम आता है दोस्तों। तो इसको हम अब रिवर्स कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अगले इफेक्ट हमें और समझने हैं, तो ये मिक्सअप होगा। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अगले कुछ इफेक्ट्स पे। अच्छा डिस्प्ले है, ये कई बार हमें वॉइस बेस्ड एडिटिंग करनी होती है कि बीच में जैसे हम मान लो बीच में कई बार रुकते हैं, कोई इंटरप्शन लेते हैं, या बीच में रीडिंग करते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, तो वो हमें देखना है कब हमारा गैप है बीच में, पाज जिसको टेक्निकल वर्ड पाजेज कहते हैं, कब पाज हैं, तो पाज हटाने होते हैं। तो वो ऑडियो वेव फॉर्म से बहुत हेल्प मिलती है हमें। तो ये शो वेव फॉर्म कर देंगे तो ये नीचे देखो ये ऑडियो वेव फॉर्म हमें दिखाई देने लगी है। अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ अपने टाइमलाइन को, अब आप देखिए ये जो एरिया है ये वाला जिसके ऊपर ये आप देख रहे हो मैं माउस हिला रहा हूँ, ये नीचे ऑडियो वेव नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा। तो अगर मुझे अब पाजेज हटाने हैं तो मैं स्ट्रेट वे ये कैंची लूँगा और यहाँ से काटूँगा और यहाँ से काटूँगा, और मैं इस टूल को जैसे वापस रख के सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर दूँगा तो और साथ जोड़ूँगा। तो इस तरह से जब हमें एडिटिंग करनी है वॉइस बेस्ड तो वॉइस की हेल्प मिलती है हमें, बहुत सी बड़ी एड मिलती है इससे। तो दोस्तों ये थे कुछ जो क्लिप के ऊपर ही हम कुछ इसमें इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अब इसमें एक और मेजर चीज़ है एडवांस एडिटिंग में जो आती है, वो हैं आपके जो रेडीमेड इफ़ेक्ट्स ये देते हैं। जैसे ये ट्रांजेक्शन्स के साथ ये इफ़ेक्ट वाला हुआ है, ये देखिए ये इसको आपने क्लिक किया तो ये सब खुल गया। जैसे सिनेमा स्कोप टाइप बनानी है, बार जिसका नाम है, तो इसमें कुछ नहीं है, आप इसको पकड़ेंगे स्ट्रेट वे ऐसे ड्रैग करेंगे, माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, क्लिप के ऊपर आके छोड़ देंगे तो इसका नाम प्रिंट हो जाएगा, जैसे बी है। अब ये स्ट्रेट वे देखेंगे आप अगर प्ले करेंगे, वेलकम अगेन टू माय चैनल दोस्तों, तो ये देखिए सिनेमा स्कोप हो गया, यहाँ से भी कट गया ऊपर से भी कट गया। तो दोस्तों इसकी आगे भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जैसे सिनेमा स्कोप आ गया, हर एक इफेक्ट की आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कितना होना चाहिए सिनेमा स्कोप का, ऊपर से नीचे से कितना कटना चाहिए, या जो भी इफेक्ट है उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो यहाँ पे अल्फ़ा बेटुस शो करता है कि ये इफेक्ट अभी पर्टिकुलर अप्लाई हुआ हुआ है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से रिमूव इफेक्ट करके, अगर नहीं चाहिए तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इसको और एडवांस्ड एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ये बॉटम साइज़ जैसे आप देख रहे हैं, तो हमने ये किया तो ये बॉटम से देखो ऊपर हो गया, टॉप साइज़ नीचे, ये इसको आगे लेफ्ट क्लिप क्रेस करके इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड पे आप मूव करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा वैल्यू इसकी।
तो अब हम प्ले करेंगे तो देखो ये सिनेमा स्कोप नीचे से ज़्यादा ऊपर हो गया और ऊपर से भी कर देते हैं नीचे। टू माई चैनल दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था हमें ईमेल, तो ये हमने प्ले किया था तो हमें ऐसा दिखाई दिया, तो इसको अब रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने सीख लिया है। तो इसी बी पे जो इसकी निशानी है राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फील्ड इफेक्ट कर देंगे तो ये चला जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज़ को भी अगर और इफेक्ट लगाने हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ का बार अभी रहने देते हैं, नहीं तो यहाँ से ये क्रॉस मारेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ का बार भी चला जाएगा। इसके बाद ब्लर है, ब्लर कितना करना है, कई बार हमें कुछ पार्ट ब्लर करना, ब्लर होता धुंधला करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ इसको रखेंगे तो ये देखो ब्लर हो गया रखते ही। अब कितना ब्लर करना है, तो इसको बी को राइट क्लिक करा, इसकी प्रॉपर्टी में गए, वैल्यू ब्लर की कितनी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेडियस, ये देखो और ज़्यादा करना है, ये देखो बिल्कुल ही धुंधला हो गया, कम करना है, बिल्कुल कम करना है, ठीक है ना। तो ये सारा, तो ये ब्लर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो अब इसको हटा देते हैं ब्लर को, रिमूव इफेक्ट गया, प्रॉपर्टीज भी हट गई। अब नेक्स्ट है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह ये भी यहाँ लगाया और इसको फिर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए तो ये कितना कंट्रास्ट बढ़ाना है, देखो कंट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ मैं, बढ़ गया देखो कंट्रास्ट, देखो पिक्चर कैसी हो गई, वापस कर दिया कंट्रास्ट, ऐसे ही ब्राइटनेस बढ़ा दी देखो, तो ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट ये दोनों हैं, ठीक है ना। तो अब बाई डिफ़ॉल्ट लाने के लिए इनको राइट क्लिक करके रिमूव इफेक्ट, तो ये ओरिजिनल आ गई। इसके बाद ऐसे ही क्रोमा की है ग्रीन स्क्रीन के लिए, ये अभी हमारे पास है नहीं ग्रीन स्क्रीन पीछे, ये कलर शिफ्ट है, कलर शिफ्ट करना हुआ ड्रैग किया ऐसे, ये देखिए प्ले करके देखिए ऐसे ही प्ले करेगा। यहाँ कमेंट्स के ऊपर के आप ओपन शॉट के बारे में टूटो, देखो गोस्ट इमेज सा बन गया ना, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देख लो, प्रॉपर्टीज़ में कौन सी वैल्यू कितनी रखनी है, ये देखो इसको अगर हम चेंज करते हैं, ये देखो देख रहे हैं चेंजिंग का इफेक्ट देख रहे हैं, तो ये चेंजिंग का इफेक्ट आ गया, प्ले करके देखो लवरियल हमारे को दें क्योंकि ये भी आपके बेस्ट। तो ये गोस्ट इमेज था एक तरह से, अब इसको राइट क्लिक मारा रिमूव इफेक्ट कर दिया, ऐसे ही क्रॉप है। अभी ये डी इंटरलेस्ड है, ये कई बार इस्तेमाल होता है जस्ट फॉर फन, ये देखो आपने देखा ये थोड़ी थोड़ी पिक्चर डिस्टोर्टेड हो गई है वीडियो, और इसको अब हटा देते हैं रिमूव इफेक्ट। इसी तरह ह्यू है, ह्यू को यहाँ ले आए तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, ह्यू की सेंसिटिविटी, ये देखो कलर चेंज हो रहा है, ह्यू ह्यू चेंज हो रही है ना, तो ये हुआ, तो ये राइट क्लिक किया इसको हटा दिया। ऐसे ही अल्फा मास्क पिक्सलेट, अब ये नेगेटिव है, ये भी बड़ा अच्छा पिक्चर नेगेटिव हो जाएगी, देखो ये नेगेटिव हो गई पिक्चर, लिस्ट में आता है जी हाँ बिल्कुल आता है, तो उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, देख रहे हैं दोस्तों राइट क्लिक रिमूव इफेक्ट, ऐसे ही पिक्सलेट, ये देखो डिस्टोर्शन हो गई। ये बेसिक ट्यूटोरियल है ओपन शॉट का, जो एक जनरल ट्यूटोरियल है, आगे एडवांस ट्यूटोरियल भी इसमें हमारे आप देख सकते हैं। राइट क्लिक, कहीं मास्किंग करनी हो तो ये काम आता है पिक्सलेट, कुछ फिगर मिटानी हो या कुछ छुपाना हो उस सीन में, रिमूव इफेक्ट हो गया। ऐसे ही कलर सेचुरेशन है, ये आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते हैं क्या इफेक्ट है, ये देखो कलर गाढ़ा करना है या फीका करना है, ये देखो ये गाढ़ा हो गया, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, ये वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक प्रेस करते हुए इसको साइड पे करोगे तो वैल्यू कम ज़्यादा होगी, ये देखो कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई। अब हटा देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हट जाएगी, ये हट गई ना। ऐसे ही ये वेव है, ये देखो वेव ही हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पुराने जमाने में टीवी खराब हो जाते थे, वीडियो एडिटर का फनी इफेक्ट्स हैं आपके बिगिनर्स वीडियो के उस पर्टिकुलर, चलिए डिमांड से ये चलते हैं। तो ये अभी प्ले करके हमने देखा, जैसे
पहले टीवी ख़राब हो जाते थे पुराने ज़माने में, कुछ साल पहले जो टीवी थे दूसरे वाले पिक्चर ट्यूब वाले, तो ये फ़नी इफ़ेक्ट हैं, ये सीन की डिमांड या वीडियो की किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे डिमांड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये रिमूव कर दिया इफ़ेक्ट, ये भी ये वेव वाला इफ़ेक्ट है। तो इसकी प्रॉपर्टी में देखें क्या है, एक शिफ्ट, ये देखो कि आप ओपन शॉट के बारे में ट्यूटोरियल दो दो फोटो में प्ले हो रही थी, देखो दें ऐसे ही वाई शिफ्ट है नीचे, ये लो चार चार फोटो में हो गई, क्योंकि ये भी आपके बेस्ट फ्री वीडियो। तो ये सब फनी इफेक्ट्स हैं। तो ये थे कुछ इफेक्ट दोस्तों, अब इसको मैं एक बार क्रॉस क्रॉस करके वापस उसी पोजिशन में ले आता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, पिक्चर आपने स्टिल कैप्चर करनी है, मान लो ये भी आपके बेस्ट फ्री वीडियो, मान लो प्ले करते हुए आपको कोई सीन कैप्चर करना है, स्टिल पिक्चर कैप्चर करनी है, तो प्ले करते हुए ये कैमरे का, ये देखो ये कैमरे का यहाँ पे सिंबल है, ये दबा देंगे आप तो वो PNG में सेव हो जाएगी, वहीं पे पाथ पूछेगी आपसे। तो मान लो प्ले करते करते इसको प्रेस करते हैं, हम एडिटर्स की लिस्ट में आता है जी, ये देखो प्रेस किया तो ये पाथ पूछने लगा, तो ये PNG में फ्रेम का नंबर जो है वो .png, ये एक स्टिल इमेज आपका सेव हो जाएगा। थंबनेल बनाने के काम बहुत आता है दोस्तों ये, कई बार आपकी कोई ऐसी इवेंट है, कोई ट्रैवल का है या कुछ ऐसा है जो पर्टिकुलर आप थंबनेल में डालना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर फ्रेम की PNG ले सकते हैं, जो कि थंबनेल में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है दोस्तों। कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट्स पे और ईमेल्स में पूछा था कि टेक्स्ट का इसमें नहीं पता लगता, टेक्स्ट कैसे लगाएं, टाइटल कैसे लगाएं, या कुछ और लिखना है, टेक्स्ट तो मेनली टाइटल के काम आता है या कुछ और मैसेज देने के काम आता है, कुछ इफेक्ट के काम आता है, टेक्स्ट बहुत बार ही लिखना पड़ता है हमें, तो वो कैसे करें। तो दोस्तों उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट कैसे ऐड करें इसमें। ये टाइटल पे आपने जाना है मीनू में, ये देखो टाइटल है ऊपर मीनू में, टाइटल में जाके ये टाइटल पे या कंट्रोल टी आप प्रेस कर दें या टाइटल पे क्लिक कर दें, ये मैंने टाइटल पे क्लिक कर दिया। तो देखो फॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे, ये सारे आप देख रहे हैं, ये सारे इतने तरह के टाइटल हम इसमें डाल सकते हैं, ऐसी सुविधा बहुत से कम सॉफ्टवेयर्स में होती है, अलग अलग स्टाइल से टाइटल डालने, जैसे ये बार का टाइटल डालने यानी टेक्स्ट लिखना एक ही बात है, जैसे ये डालना है इसमें, तो ये फाइल नेम ऊपर वैसे ही है बाय डिफ़ॉल्ट, ये बताऊंगा मैं क्या है, ये लाइन वन और लाइन टू आप अगर चेंज करना चाहें तो इसमें लिखें आप रुपी टेक्नोलॉजी, ये दूसरी लाइन भी आएगी ऐसे इमेज की, इसको कंट्रोल सी कर लें और इसको कंट्रोल वी कर दें, तो ये आ गया रूपी टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे चेंज फ़ॉन्ट आया तो ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हाँ ये फ़ॉन्ट अच्छा है। तो मैं आपको एक दो करके दिखा दूँगा, बाकी ये जितने भी इफ़ेक्ट हैं सारे, इनका सबका ये फ़ॉन्ट चेंज करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ये सब सिमिलर ही है, ये ब्लैक हो गया। अब टाइटल ये तो था बनाना कैसे, अब लगाना कैसे ये भी सीख लेते हैं, वापस करते हैं टाइटल पे, वहीं आ जाते हैं बार नंबर टू, टाइटल सब टाइटल, इसमें ये दो तरह के हैं जैसे, तो इसमें हमने लगाया था रुपी टेक्नोलॉजी ओपन शॉट ट्यूटोरियल, ये मैंने बताया था जैसे चेंज फॉन्ट करना है, तो एरियल लगा लेते हैं, एरियल ये आ गया, एरियल एरियल ब्लैक या एरियल है ना। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं, जैसे मान लो डार्क ब्लू लगा दिया, ठीक है। तो ये इसको आप, अच्छा इसमें एक एक खासियत, जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, इसमें खासियत ये है कि अब इसको हम सेव करेंगे ना, यहाँ देखिए सेव, अब हमें सेव कर लिया, यहाँ कहीं दिखाई तो दिया नहीं ये स्क्रीन के ऊपर, जबकि दूसरे उसमें कहीं वो होते हैं उनमें दिखाई दे जाता है, तो होगा हुआ क्या, ये कहाँ गया, ये प्रोजेक्ट फाइल्स में आप दोबारा जाओ, यहाँ पे देखो ये एक फ़ाइल बन गई, एक प्रोजेक्ट फाइल की दो फाइल थी ना, ये तीसरी फाइल बन गई। तो इस फाइल को हम बाकी सारी फाइलों की तरह ही इधर ऐसे ड्रैग करेंगे, देखो ये
जहाँ पे हमने ये टाइटल लगाना है, ये ट्रांजिशन आ गई है वैसे, लेकिन इसको ट्रांजिशन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने स्ट्रेट वे हेड लगाना है। तो जिस जगह पे हमने लगाना है वहाँ पे हम इसको मूव कर देंगे। तो अगर ऐसे नहीं ध्यान रहता तो पहले आप हेड वहाँ पे ले जाएं, हर बार मूव करने से ये ट्रांजिशन आएगी। तो ट्रांजिशन को हम एक बार रिमूव कर देते हैं और यहाँ इसको यहाँ रख देते हैं। ये ट्रांजिशन नहीं चाहिए हमें, स्ट्रेट वे हमें दिखाना है। तो ये जब हम प्ले करेंगे यहाँ से, देखिए मैं दिखाता हूँ प्ले करके। तो अच्छा, ये टाइटल कितनी देर रखना है इसकी ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हैं, ये कितनी देर तक हमने रखना है। तो आप प्ले करें तो अपने आप इस जगह से ये वो टाइटल आएगा इसके ऊपर। ये देखिए, रिक्वेस्ट आ रहा था हमें ईमेल के थ्रू या कमेंट्स के ऊपर कि आप ओपन शॉट के बारे में ट्यूटोरियल हमारे को दें, क्योंकि ये भी आपके बेस्ट फ्री वीडियो एडिटर्स की लिस्ट। तो ये आपने देखा जितनी देर तक ये इस एरिया में टाइटल है उतने देर तक टाइटल रहा, उसके बाद ये अपने आप हट गया। तो ये इस तरह से टाइटल मीन्स टेक्स्ट। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कितने भी इफेक्ट डाल सकते हैं इधर टाइटल में जाके। ये मेरे से बहुत लोगों ने एडवांस वीडियो एडिटर टाइप कितने तरह के हैं वीडियो एडिटर्स के, इसमें मेल्स में क्वेश्चन पूछा, जी थोड़ा थोड़ा तो हम कुछ कर पा रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि टेक्स्ट कैसे लगाएं। तो ये टेक्स्ट लिखना जो है ये यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ये इतने स्टाइल से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये किसी भी स्टाइल को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। ये फाइल का नाम बेशक से आप ना छेड़ें, यहाँ पे आप लिखें हेलो या कुछ भी लिखें, जैसे दूसरी लाइन चेंज करनी है हाउ आर यू, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया, ओके हो गया, सेव कर दिया। तो ये फाइल बन गई, देखो यहाँ पे। सेव करने के बाद ये ध्यान रखना कि आपकी ये फाइल प्रोजेक्ट फाइल्स वाले एरिया में बनेगी, जिसको कि आपको ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ पे लगानी है। जब आप ड्रैग करेंगे तो ट्रांजिशन आएगी, ट्रांजिशन चाहिए तो ठीक है, नहीं तो सीधा चाहिए तो आप इसको ट्रांजिशन को रिमूव ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो अब आप इसको दोबारा प्ले करेंगे तो देखना ये दोनों लग जाएंगे। पहले हमने अपना टाइटल लगाया था, दूसरा नए इफेक्ट में हाउ आर यू लगाया था। देखो प्ले करके देखते हैं। हमें ईमेल के थ्रू या कमेंट्स के ऊपर के आप ओपन शॉट के बारे में ट्यूटोरियल हमारे को दें। ये देखिए रूपी टेक्नोलॉजी आ गया ना पास करके, आपको मैं बता रहा हूँ ताकि वॉइस मिक्स ना हो। अभी जब ये रूपी टेक्नोलॉजी वाली ये ख़त्म होगी टेक्स्ट, तो अगली टेक्स्ट लग जाएगी इफेक्ट में, देखना आप। तो मैं प्ले करता हूँ दोबारा। ये भी आपके बेस्ट फ्री वीडियो एडिटर्स की लिस्ट में आता है। जी हाँ बिल्कुल आता है, तो उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये वही इफेक्ट आ गया जो हमने लिया था, वो पहले वाला टेक्स्ट खत्म हो गया, अगला टेक्स्ट आ गया हेलो आवर यू। आज ये बेसिक ट्यूटोरियल है ओपन शॉट का, जो एक जनरल ट्यूटोरियल है, आगे एडवांस ट्यूटोरियल भी इसमें हमारे आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ओपन शॉट। देखिए अभी हट गया। तो ये जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने लेना है, जितना लंबा लगाना है, ये देखिए अभी आ गया, हमने इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी। तो वीडियो एडिटर का है ना, इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और बहुत से डिज़ाइन है हमारे पास, लिखना हमने यहीं से ऐड। तो ये कुछ इफेक्ट थे दोस्तों जो मैक्सिमम हमें यूज़ होते हैं ओपन शॉट में। तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आए होंगे, बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो नए नए वीडियोज़ मैं टेक्निकल और यूज़फुल वीडियो लेके आता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा उठाएँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो गाइज अब हमारा एक लास्ट काम रह गया है, जो ये क्लिप हमने एडिट करी है सारी स्पेशल इफेक्ट लगा के या जो भी काम करके, उसको हमने सेव करना है, यानी कि वीडियो फाइल में सेव करना है, MP4 में, AVI में, जो भी यूट्यूब के लिए, वैसे हम MP4 बनाते हैं, इसको एक्सपोर्ट करना कहते हैं। तो ये रेड बटन आप देख रहे हैं, रेड बटन कह रहा हूँ, ये सर्कल वाला जो बटन है, ये आप बटन देख रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो इसको आपने क्लिक किया, ये बताएगा फाइल नेम, फाइल नेम अपने आपने लिख दिया ओपन शॉट, क्योंकि ओपन शॉट का ट्यूटोरियल है। और ये पाथ है, ये देखिए ये पाथ, अपना ब्राउज करके आप अपना पाथ रख सकते हैं जहाँ पे फाइल ने सेव करना है। जैसे मेरे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र नेम के, जो यूज़र नेम से लॉगिन किया होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ में, उसमें ही सेव करता है सी यूज़र्स लेने वो में। तो ये ऑल फॉर्मेट
है सारा, टारगेट एम पी फोर बनेगी, वीडियो फाइल प्रोफाइल कितना है, जैसे एच डी यहाँ पर आप रख सकते हैं, जैसी आपकी क्लिप होगी उसी हिसाब से आ जाएगा। ये एच डी वीडियो 25 फ्रेम का ये रख लिया हमने 1920x1080, और अब इसमें हमने प्रेस कर दिया, क्वालिटी हाई रहेगी, प्रेस कर दिया एक्सपोर्ट वीडियो। तो ये बहुत शार्पली और बहुत तेज स्पीड में होता है दोस्तों और सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले में एक्सपोर्ट। ये देखिए परसेंटेज चलने लग गई। तो इसी तरीके से हमने ये फाइल अब बना लेनी है अपनी MP4 और इसको उस पाथ में जाके फिर प्ले करना है और यूट्यूब में अपलोड करके देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था ओपन शॉट का बिगनर ट्यूटोरियल्स, जिसमें हमने बताया कि बेसिकली आप कैसे ओपन शॉट को स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी हमारे जो दूसरे वीडियो एडिटर्स हैं जो हमने बेस्ट की कैटेगरी में रखे हैं, जैसे शॉर्टकट है, इनके वीडियो ट्यूटोरियल भी आप देखें। हर तरह के ट्यूटोरियल हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।